हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम फ्रोजन शोल्डर पे बनाएंगे। बहुत बार पेशेंट्स मिसगाइड होकर बहुत तरह के स्टेरॉइड्स, मसल रिलैक्सेंट्स या ऐसी मेडिसिंस का प्रयोग करते हैं फ्रोजन शोल्डर में, जो कि उनके लिए लॉन्ग रन में बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमें ज़्यादातर ऐसी मेडिसिंस का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें कोई और मेडिसिन या इसका कोई इलाज ना मिले। तो दोस्तों, जब कंधे में दर्द हो या आपको आपकी बाजू की जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली आप ना कर पाए, उसी को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर एक इन्फ्लेमेशन है आपके डेल्टॉइड मसल में, जो कि आप इजीली कुछ होम रेमेडीज के साथ या आयुर्वेद की चिकित्सा के साथ आप अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके घर में जो हल्दी है उसका बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि हल्दी की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही लाभदायक हैं। आप गर्म दूध में हल्दी डालकर आप अगर रोज उसको पिए तो डेफिनेटली आपका फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ आपके घर में सौंठ और काली मिर्च का पाउडर इजीली अवेलेबल होता है। आप उसको सुबह उठकर गर्म पानी, कोसे पानी में दो दो चुटकी दोनों मिलाकर अगर आप उसका प्रयोग करें, उसको इजीली सिप सिप करके पिएं, तो डेफिनेटली आपके फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और साथ में कुछ सिंपल ऑयल्स हैं जो आयुर्वेद के आपको इजीली कहीं से भी मिल सकते हैं, चाहे वो महानारायण ऑयल है, चाहे वो निरगुंडी तेल है। ऐसे सिंपल ऑयल्स हैं जो आप घर पर ही उनको वार्म कर कर जिस एरिया में आपको इन्फ्लेमेशन है, जिस एरिया में आपको दर्द है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज अगर उस पर थोड़ा सा अभ्यंग करें, थोड़ा उसको मसाज करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल तरीके से ठीक हो सकती है और आपको किसी भी अन्य पैथी की या हाई डोज स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जरूर अपनाएं, आयुर्वेद बहुत सिंपल है और आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। थैंक यू।